श्लोक नंबर 34। युद्धि तुरग रज विदुम्र विश्वकच लुलित श्रम वारी अलंकृत अस्य मम निशित शरे विभिद्यमान त्वचि विलसत क्वचे अस्तु कृष्णे आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। तात्पर्य, श्री भगवान शाश्वतता ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा पांच प्रमुख संबंधों रसों अर्थात शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब श्री भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भीष्म देव दास्य भाव में श्री भगवान के महान भक्त हैं, अतएव उनके द्वारा श्री भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा, किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखड़ियों की वर्षा करने के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने दिव्य शरीर के कारण श्री भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा अविनाशी है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान श्री विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या नास्तिकों को मोहित करने हेतु करते हैं, जो श्री भगवान को उनके प्रकट होने के समय से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस भगवान श्री कृष्ण को और रावण श्री राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि श्री भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतएव भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वो मोहित नहीं होते। भीष्म देव ने श्री भगवान के अत्यंत करुणामय स्वभाव की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्म देव के बाणों से वे विचलित थे, ना ही उन्हें भीष्म देव की मृत्यु शैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म देव ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म देव का पश्चाताप तथा श्री भगवान का करुणामय स्वभाव दोनों ही अद्वितीय हैं। महान आचार्य तथा श्री भगवान के माधुर्य रस के भक्त शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से श्री भगवान के शरीर में बने घाव उन्हें प्रबल कामेच्छा से प्रेमिका द्वारा उनके शरीर को काटने से बने घावों की तरह आनंददायक लग रहे थे। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों ना करे, कभी भी शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव श्री भगवान तथा उनके भक्त भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं था। इसके अतिरिक्त चूंकि श्री भगवान का शरीर तथा श्री भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने के कारण कोई संभावना नहीं थी। नुकीले बाणों से बने तथा कथित घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह वीर रस में किए गए इस दिव्य आदान प्रदान को समझ सकता है। भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से भने गांवों से श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न थे। विभिद मान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री भगवान की त्वचा श्री भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विभिद्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा।
दिव्य आनंद कई प्रकार का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतएव वह दोषपूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां दोष रहित विभिन्न प्रकार के आनंद है। श्री भगवान को अपने महान भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्म देव वीर रस से भक्त हैं, अतएव वे उसी घायल दशा वाले भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। श्लोक नंबर 35। सपदी सखी वचो निशम्य मध्य निज परियो बलियो रथम निवेश स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतीर म मास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 1.21 से लेकर 25 में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चलें। उसने उन्हें कहा कि वे वहां तब तक ठहरें जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा ना कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब श्री भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने तुरंत वैसा ही किया, मानो वे कोई आज्ञा पालक हों। श्री भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म देव, ये रहे द्रोण इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण श्री भगवान न तो किसी की आज्ञा पालक हैं, ना संदेश वाहक, चाहे वह जो भी हैं हों, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों पर अहेतुकी कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब श्री भगवान तथा उनके भक्तों के बीच शुद्ध दिव्य प्रेम हो। और भीष्म देव इस तथ्य से भली भांति अवगत थे, इसलिए उन्होंने श्री भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। श्री भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात श्री भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ ना हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय श्री भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतएव श्री भगवान सर्व मंगलमय हैं और वे जो कुछ करते हैं वे सबकी भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे है श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। श्री भगवान किसी भी हालत में कोई गलती नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबके लिए मंगलमय हैं। श्लोक नंबर 36। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनन वधाधि मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरादात्म विद्याय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तात्पर्य राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथा कथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही
एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हों। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के नेता तथा द्रोण, भीष्म, देव, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो आबादी से कहीं दूर लड़ा जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभावों से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा होता था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण युद्ध क्षेत्र में वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। यह दुर्योधन द्वारा बनाए गए विशाल सैन्य व्यूह से रंच मात्र भी भयभीत नहीं था, लेकिन श्री भगवान का दयालु भक्त होने के कारण उसे सांसारिक वस्तुओं से स्वाभाविक वैराग्य था। अतएव उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि कभी भी कलुषित नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह श्री भगवान का भक्त तथा नित्य सखा था, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय से स्पष्ट है। अर्जुन की बुद्धि कुलुषित प्रतीत होती थी, अन्यथा मिथ्या देह आत्मबुद्धि द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। श्रीमद् भगवद गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। श्री भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। श्लोक नंबर 37। स्वनिगम म पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधि कर्तु वप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणों अभ्ययाच लद गुर हरि रिव हन्तुमिभम गतोत्रिय। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की यह कहकर आलोचना की कि वे अर्जुन से पितृवृत स्नेह के कारण उसे मारने से झिझकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध इसी काम के लिए बनाए गए विशेष हथियारों से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने वे तीर अपने पास रख लिए ताकि वह उन्हें अगले दिन युद्ध के समय दे सके। लेकिन अर्जुन ने चालाकी से दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्म देव को यह समझते देर ना लगी कि यह भगवान श्री कृष्ण की चाल है। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म देव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्म देव द्वारा अगले ही क्षण मारे जाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भक्त भीष्म देव की प्रतिज्ञा का मान रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि वह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने हेतु वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्म देव पर तेजी से
इस प्रकार झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें ध्यान भी नहीं था कि उनका उत्तरीय गिर गया है। तब भीष्म देव ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने हेतु खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि साक्षात श्री भगवान रथारूढ़ थे, लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने हेतु हथियार उठाएं, अतएव श्री भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने हेतु आए कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। श्लोक नंबर 38। शित विशिखतो विशीर्ण दंश क्षतज परिलुप्त आतताइनो में प्रसभम भीसार मध्वद्वारत सभवतु में भगवान गतिर मुकंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे परम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से भने गावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण और भीष्म देव के प्रति शत्रुता पूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने हेतु था। ऐसी लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण श्री भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथा कथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की तरह प्रहार करता है या बड़ों के जैसे उनको डांटता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, भक्त तथा श्री भगवान के बीच ये कुछ दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्म देव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर श्री भगवान के शरीर को बाणों से बींद दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में श्री भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने हेतु था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी श्री भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्म देव उन्हीं श्री भगवान की अपने जीवन के परम गंतव्य के रूप में इच्छा ना करते। यदि भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण के शत्रु होते तो भगवान श्री कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। श्री भगवान व उनके भक्त में दिव्य रस का आदान प्रदान ऐसा होता है। ऐसी लीलाओं से भक्त तथा भगवान दोनों का यश बढ़ता है। श्री भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी प्रकार बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की चिंता न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। श्री भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्म देव श्री भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सभी शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। श्लोक नंबर 39। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे धृत हयर शिमणि तचिरय क्षणीय भगवती रति रस्तु में मुमूर्षो यर्मी निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण
भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तात्पर्य, श्री भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में श्री भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा द्वारा श्री भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त श्री भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस प्रकार अंततो गत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो श्री भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा स्वाभाविक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्म देव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में श्री भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में श्री भगवान की लीला भी शाश्वत है। कंस के कारागार में अपने प्राकट्य से लेकर अंत में मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में श्री भगवान की लीलाएं एक एक करके वैसे ही घटित होती हैं जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती हैं। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म देव जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस प्रकार भीष्म देव पार्थ सारथी के रूप में श्री भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे था थे अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे जबकि भीष्म देव श्री भगवान के बिल्कुल सामने थे। जहां तक श्री भगवान के योद्धा वेश का संबंध है, भीष्म देव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सभी सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के उपरांत श्री भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि श्री भगवान की अहैतुकी कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है, तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी श्री भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन श्री भगवान के अंश रूप जीवित सपुलिंगों के लिए यह रंज मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादियों का पुनः पतन होता है और वे फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में श्री भगवान के समान द्विभिज या चतुर्भुज आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो शत प्रतिशत आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध करने वाले योद्धाओं ने अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्म देव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही नहीं, दूसरे पक्ष पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबको एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्म देव भी वही सुविधा चाहते थे और यही श्री भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि श्री भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है, निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति मन में या साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागता है, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्लोक नंबर 40। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनु कृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्वः। मेरा मन
उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तात्पर्य, ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेम में सेवा में अतीब आह्लाद से श्री भगवान के साथ समान रूप से नृत्य कर प्रेमी रूप में उनका आलिंगन करके उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्मय प्राप्त किया। अर्जुन के साथ श्री भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसित है, लेकिन गोपियों के साथ श्री भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। श्री भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में श्री भगवान की भात्र सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन श्री भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की, किंतु गोपियां तो श्री भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में श्री भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म देव द्वारा गोपियों के स्मरण की इच्छा जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त करने की एक प्रार्थना है। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की प्रशंसा सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं, अतएव भीष्म देव ने केवल उस समय उनके साथ उपस्थित अर्जुन के कृत्यों का ही यशगान नहीं किया अपितु गोपियों का भी स्मरण किया जिन्हें श्री भगवान की प्रेम में सेवा करने के कारण श्री भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। श्री भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के साथ जुनिय मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समत्व पूर्ण आह्लाद की अवस्था है जहां अंतर की धारणा पूर्णतया मिट जाती है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित एक हो जाते हैं। श्लोक नंबर 41। मुनि गण निरिप वर्य संकले अंत सदसी युधिष्ठर राजसूय ईशाम अर्हण मुपेद इक्षणियों मम वक्षी गोचर एश आवीरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी जिससे उसके स्थान पर अन्य राजा या प्रशासक बन सके। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी पूरे संसार में चुनौती के रूप में ऐसे घोड़े भेजे और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के अधीन विश्व के सभी शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे, अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात ना थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। ना ही कोई ऐसे निपुण पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रण मिलने पर विश्व के सभी राजा तथा महान मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर महान दार्शनिकों धर्मज्ञों वैद्यों वैज्ञानिकों तथा सारे महान ऋषियों सहित संपूर्ण समाज को आमंत्रित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्ति परक पदों के रूपों में मनुष्य की महत्ता भी बदल गई है। इस प्रकार उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था
और प्रत्येक व्यक्ति उनको सादर प्रणाम करना चाहता था। भीष्म देव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परम भगवान पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलापों, रूप लीलाओं, नाम तथा महिमा का ध्यान करना। परम पूर्ण के निराकार पक्ष का ध्यान लगाने के भ्रम से यह अधिक सरल है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में यह स्पष्ट कथन है कि श्री भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए श्री भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख भी श्रीमद् भगवद गीता 12.9 में हुआ है। श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में साक्षात उपस्थित थे, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के पश्चात ईश्वर की तरह पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, ना ही श्री भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों ना हो। ये दोनों ही विचार कुधारणाएं हैं। मानववाद का विचार भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। श्लोक नंबर 42। तम एमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठम आत्म कलिपतानाम प्रतिवशम एव एन एकदा अकर्म एकम समधि गद आत्मी विधूत वेद मोहो। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को अनेक पूर्णांशों व विभिन्नांशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत की धारणा उनकी इस अचिंत्य शक्ति के बारे में अज्ञान के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में श्री भगवान कहते हैं कि जो अल्पज्ञ है वे ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं जानते। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सबके हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों के सामने विद्यमान है। श्री भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्म देव के मन से द्वैत की यह कुधारणा पूर्ण रूप से मिट चुकी है और वे अब संतुष्ट हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है कि श्री वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और श्री वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। श्री वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, जिसकी पुष्टि अब भीष्म देव द्वारा हो रही है। भीष्म देव 12 महाजनों में से एक हैं, अतएव नव जिज्ञासुओं तथा शुद्ध भक्तों दोनों के समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्म देव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और वही श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर हैं। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता गलती से यह सोचते हैं कि वृंदावन के श्री कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले श्री कृष्ण
पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं, लेकिन भीष्म देव के मन से यह भ्रांति पूर्ण रूप से दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है, और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म ज्योति व परमात्मा दोनों हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में ना तो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, ना भगवान श्री कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण पारसार्थी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे ना तो ब्रह्म ज्योति में है ना ही परमात्मा में। भीष्म देव जैसे महात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर एकाग्रता से उन्हीं की पूजा करते हैं। कृष्णा, आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल से हम 43वें श्लोक से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।